बस क्या करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट टिप हमारी ये हरी मिर्ची से है, जो कि रखी रहती है इस तरह से ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए एक हमने इस तरह से बॉक्स ले लिया है और ये टिश्यू पेपर ले लिया, इसे इस तरह डाल देंगे और ये मिर्ची इसी में इस तरह हम डाल देंगे। देखिए उस तरह, और ये हमने दो तीन टूथपिक ले ली है, तो ये इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, मिर्ची ख़राब नहीं होगी, स्टोर करके रखेंगे, ज़्यादा दिन तक चलेंगी, और इसे हम इस तरह बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह बंद करके रख देंगे, तो बिल्कुल मिर्ची ख़राब नहीं होंगी। दूसरी टिप हमारी दोस्तों ये सीटी से है, कुकर की सीटी, जो कि अंदर तक हम, ये देखिए गंदी है, साफ़ नहीं हो पाती है, तो इससे क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा ये सोडा डाल देंगे। ये देखिए बेकिंग पाउडर या सोडा कुछ भी लें, और इसमें इसमें भर दें इस तरह। ये देखिए इस तरह भर के, और इसमें हम नींबू डाल देंगे। देखिए नींबू डाल के थोड़ी देर तक इसे हम रख देंगे। ये देखिए बबल्स आने लगे हैं, तो ये सीटी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, जो भी गंदगी होगी इसमें निकल जाएगी। थोड़ी देर तक रखेंगे, उसके बाद हम इसे साफ़ करेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, तो हम सीटी को साफ़ करेंगे। ये देखिए इस तरह से कोई भी चीज़ लेके, देखिए इस तरह अच्छे से हम इसे साफ़ कर लेंगे। देखिए गंदगी सारी इसकी निकल जाएगी, जो भी गंदगी होगी, क्योंकि रोज़ रोज़ तो इस तरह हम धुल नहीं पाते हैं, तो इस तरह धुलें, बिल्कुल साफ़ हो जाती है इसे। देखिए इस तरह हम अब पानी डाल के इसे साफ़ कर लेंगे। ये देखिए देख सकते हैं पहले से साफ़ हो चुकी है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों दूसरी टिप हमारी ये है, जो इस तरह की हमने ये मैगी वाली चम्मच ले ली है, और इन्हें हम बराबर कर लेंगे इस तरह। ये देखिए बराबर करके, और इस तरह की एक हमने ये रबड़ ले ली है, तो इसे क्या करें, इस तरह लगा लेंगे। ये देखिए अच्छे से इसे इस तरह लगा लेंगे, अच्छे से कस के। ये देखिए इसे नीचे बराबर कर लें। ये देखिए बराबर हो गया है। अब इससे हम कोई भी चीज़, गर्म चीज़ हो, कुछ भी हो, इस तरह उठा सकते हैं। ये देखिए, देखिए तो ज़रूर बताना आपको हमारी टिप कैसी लगती है। ये देखिए इस तरह यूज कर सकते हैं। अगली टिप हमारी दोस्तों ये मिट्टी के दिए से हैं, जो कि मिट्टी के दिए अभी भी आपके पास रखे होंगे, तो साल भर रखे रहते हैं, कोई नहीं फेंकता है, किसी न किसी चीज़ में ये यूज आते हैं। और ये हमने कद्दूकस लिया है अदरक वाला, तो ये जब चलते चलते ये इसकी धार कम हो जाती है, तो क्या करें, ये देखिए इस तरह दिया लेंगे, ऐसे हम घिसेंगे। ये देखिए इस तरह घिसते हुए तो इसकी धार बहुत ही अच्छी हो जाती है। ये देखिए इस तरह, ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से ये पैना हो जाता है। ये देखिए इस तरह घिस के, चाहे बड़ा कद्दूकस हो या छोटा हो, इसी तरह हम इसकी धार पैनी कर लेंगे। ये देखिए इस तरह, ये बहुत ही अच्छी टिप हमारी है, बहुत ही काम आती है। ये देखिए दोस्तों अगली टिप हमारी इस तरह के चार्जर से है, जबकि 3-4 चार्जर हो जाते हैं, तो इस तरह हम रखते हैं तो ये उलझ जाते हैं, टूट भी जाते हैं, तो इससे क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह इन्हें निकाल के इस तरह रखेंगे। ये देखिए इस तरह हम इन्हें फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह फोल्ड करके, और ये चार्जर लेंगे इसको, और इस तरह ये हमने रबड़ ले ली है, इसे हम इस तरह लगा लेंगे। ये देखिए, और कहीं भी इसे अच्छे से हम ये रख देंगे। इसी तरह ये भी कर लेंगे। ये देखिए इस तरह करके,
देखिए अब ये आराम से एक जगह अच्छे से ये रखे रहेंगे, उलझेंगे भी नहीं। तो ये देखिए इस तरह हमने ये बना लिए है, इन्हें हम आराम से रख सकते हैं, ना उलझेंगे, ये देखिए ना टूटेंगे उलझ के। तो कैसी लगी हमारी दोस्तों टिप, ज़रूर बताएं।